लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। राजधानी जयपुर में नवदुर्गा मां अंबे शक्ति स्वरूप महिलाओं के सम्मान में आयोजित होने वाले 3 दिवसीय एसकेजे ज्वेलर्स डांडिया महाराष्ट्र का शुभारंभ बुधवार को शाम 6 बजे से होगा। विशाली नगर स्थित जानकी पैराडाइज में 9 से 11 अक्टूबर तक होने वाले डांडिया महाराष्ट्र की मंगलवार को फुल ड्रेस रिहर्सल्स की गई, जिसमें युवतियां और महिलाओं ने हाथ में दीपक प्रज्वलित कर मां अंबे की आराधना की प्रैक्टिस की। नटराज डांस एकेडमी की डायरेक्टर सुनीता राज के निर्देशन में महिलाओं ने तालियों की गूंज के बीच मां अंबे की आरती का अभ्यास किया। इस अवसर पर डांडिया महाराष्ट्र के आयोजक पवन टॉक, समाज सेवी एसएल गुप्ता सहित अनेक गणमान्य जन भी मौजूद रहे। डांडिया महाराज के आयोजक पवन टाक ने बताया कि वैशाली नगर गांधी पथ स्थित जानकी पैराडाइज में 9 से 11 अक्टूबर तक प्रतिदिन सायंकाल 5 से रात्रि 10 बजे तक नवरात्रि फेस्टिवल के तहत 5100 महिलाओं द्वारा माता रानी की आराधना में डांडिया उत्सव आयोजित किया जाएगा। डांडिया महाराज की तैयारी पिछले 1 महीने से हो रही थी और आज सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत ही जोरों शोरों से प्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार हैं। आज यहाँ पे महाआरती, गरबा, डांडिया, फ्री स्टाइल डांसेस हो रहे हैं और पूरा गुजरात आज जानकी पैराडाइज में है। जी, गरबा नाइट काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से होता आ रहा है जयपुर में, और इस बार क्या खास होने वाला है? गरबा डांडिया विशाली में पिछले जो सबसे पुराना गरबा डांडिया नाइट है वो हम ही ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और इसमें खासियत ये है कि हम राजवाड़ी मारवाड़ी स्टाइल्स दोनों मिक्स करके लेकर आ रहे हैं, और जो महाआरती है वो 320 दियों के साथ में प्रेजेंटेशन होगा। कितनी महिलाएं जो है पार्टिसिपेट कर रही हैं? 38 महिलाएं हैं जो महाआरती में पार्टिसिपेट करेंगी। 10 स्टूडेंट्स हैं जो भवाई प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और अलग अलग वेशभूषा में यहाँ पे लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आपका नाम और डेजिग्नेशन? मेरा नाम सुनीता वर्मा, नटराज म्यूजिक डांस अकेडमी यूनिट ऑफ संगीत आश्रम की प्रिंसिपल। हम ही पिछले 2013 से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं गरबा डांडिया का। थैंक यू। इनका आयोजन क्या कहना चाहिए? जी, एक बार फिर से और डांडिया महाराज दिल से, पिछले 13 सालों से हम यहाँ मातृ सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में, कन्या पूजन के साथ कंटिन्यू जो डांडिया महाराज करते आ रहे हैं वो इस बार फिर हाजिर है महिलाओं के ही सम्मान में, और एक पेड़ माँ के नाम के संदेश के साथ हम इस प्रोग्राम को आयोजित कर रहे हैं, जो कि 9, 10, 11 अक्टूबर को यहाँ डेली 5:30 बजे से रात्रि 10 बजे तक आयोजित किया जाएगा। बहुत भव्य आयोजन है जिसमें फिल्म, फैशन और मॉडलिंग जगत की हमारी बहुत सारी हस्तियाँ हैं, और हमारी जो जनता है, जो डांडिया लवर्स है जयपुर के, उनके लिए बहुत सारे प्राइजेज यहाँ है, उनका वेट कर रहे हैं। 100 गज का प्लॉट भी इस बार लकी ड्रा में निकाला जा रहा है, और बेस्ट कपल, बेस्ट डांस, ऐसे बहुत सारे प्राइजेज यहाँ डेली दिए जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप मीडिया के माध्यम से सभी को इन्वाइट करता हूँ, आइए जयपुर राइट्स और डांडिया खनकाते हैं एक बार फिर से डांडिया महाराज दिल से। थैंक यू। इस बार और भव्य इसको सजाया जा रहा है, आप देखेंगे कि माँ का भव्य दरबार यहाँ, जिसमें श्याम बाबा भी विराजित होंगे, हनुमान जी भी होंगे, गणेश जी भी होंगे, एक धार्मिक माहौल है। धार्मिक माहौल के हिसाब से इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं, और बहुत भव्य दरबार है इस बार, पांडाल भव्य। इस बार हमारे प्लॉट्स जो है काफ़ी बढ़ गए हैं संख्या में। जी, कितनी संख्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग आने वाले हैं? देखिए, लोग बाग कहते हैं लाखों की संख्या में, पर ये ठीक है, माता रानी के एक आशीर्वाद है इस डांडिया महाराज पे, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा डांडिया महाराज कहलाता है, तो एक जनता का प्यार है जो हम निरंतर ये डांडिया महाराज बढ़ता जा रहे हैं। आपका नाम? पवन टाक, डायरेक्टर डांडिया महाराज। वहीं दीपावली का त्यौहार नजदीक है, और अगर आसपास दीपावली पर स्वादिष्ट मिठाई खाना चाहते हैं तो आपके लिए राजधानी जयपुर में अब तक त्यौहार रेस्ट्रो कैफे लेकर आया है आपके लिए मिठाई की शुद्ध स्वादिष्ट वैरायटी।
जयपुर के वैशाली नगर स्थित गांधी पथ में आज से त्यौहार मिठाई रेस्टोरेंट कैफे की शुरुआत हुई। रेस्टोरेंट का उद्घाटन सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने किया। इस दौरान विधायक गोपाल शर्मा, भाजपा नेता अशोक लाहोटी, त्यौहार की सीओ सीए अंजलि जैन, सीए कुणाल पटोलिया, जेडी महेश्वरी, श्रीमंत पांडे सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान अविनाश के रूप में ने कहा कि दीपावली को लेकर हमारी सरकार का फोकस है कि लोग सेहतमंद रहे, बाजार में किसी भी तरीके से खाद्य सामग्री में मिलावटखोरी ना हो, इसे लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग व एजेंसियों की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। गहलोत ने कहा कि आज शहर में एक अच्छे प्रतिष्ठान खुल रहे हैं क्योंकि मिठाई में क्वालिटी से समझौता नहीं कर रहे, लोगों की सेहत का ख्याल रख रहे हैं। कि सबसे पहले तो मैं त्यौहार की सीजन में त्यौहार रेस्टोरेंट कहते हैं, आउटलेट कहते हैं स्वीट्स का, यहाँ हमारे जो मित्र हैं भाई कुणाल जी और बहन अंजलि जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने इस कार्यक्रम में बुलाया है इस ओपनिंग के लिए। त्यौहार की इस आउटलेट को मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित ही जयपुर शहर में इस प्रकार का जो आउटलेट लगा है शहरवासियों को निश्चित ही फायदा मिलेगा। और आजकल जो मिलावट का दौर चल रहा है खाद्य सामग्री के अंदर, चाहे स्वीट्स के अंदर किसी में भी हो, उस पर निश्चित ही ये आउटलेट ऐसा नहीं होगा जहाँ कोई शिकायत आएगी। और सरकार का भी ये फोकस है कि जो खाद्य सामग्री है, जो खाने पीने की जो आइटम्स हैं, स्वीट्स हैं, जो भी हैं, वो पूर्ण तरीके से शुद्ध रहे, किसी प्रकार मिलावट नहीं रहे। तो वैसे तो इन्होंने बहुत कम समय में इस प्रकार का आउटलेट तैयार किया है, मैं उसको बधाई देता हूँ। और निश्चित ही सरकार के जो मानक हैं, गवर्नमेंट के जो पैमाने हैं, उस पर ये खरा उतरेंगे और शहरवासियों को निश्चित इसका फायदा मिलेगा। त्यौहार इनॉग्रल सेरेमनी, सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलूँगी यहाँ पधारने के लिए। अब आज हम यहाँ पे जयपुर में एक नया स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं त्यौहार नाम से। जैसे कि हर त्यौहार की इतनी मान्यता है हमारे देश में, जहाँ पे सब लोग खुशी और एक अपनापन महसूस करते हैं, हम चाहते हैं वो दिन लोगों की ज़िंदगी में हर दिन आए, इसीलिए हमने ये त्यौहार नाम से हमारी ब्रांड की लॉन्चिंग करी है। इसको हम जयपुर तक ही नहीं सीमित रखने वाले, इसको हम जयपुर से बाहर लेके जाएंगे, भारत देश में ही नहीं, हम भारत के बाहर भी इसको लेके जाने वाले हैं अगले कुछ सालों में। यहाँ के लिए हमारा क्वालिटी कंट्रोल और स्टैंडर्ड्स हम सारा इन हाउस मेंटेन करने वाले हैं। जो भी प्रोडक्शन यूनिट है हमने अंदर ही डेवलप कर रखी है, कोई भी आउटसाइड प्रोडक्ट हमारे आउटलेट पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, सारे प्रोडक्ट्स त्यौहार की लॉन्चिंग के साथ ही है। चीज़ों को रोज बनाएंगे, रोज आपको फ्रेश प्रिपेयर करके प्रोवाइड कराएंगे। और जो स्पेशल चीज़ें हमने बनाई हैं, जैसे हमने एक आइटम क्रिएट कराया है स्वर्ण भस्म पाक, तो हमने स्वर्ण भस्म में जो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसको लेके एक बहुत ही शानदार आपके लिए मिठाई लेकर आए हैं हम लोग, जिसकी पर केजी प्राइस है 40,000 रुपीज़ पर केजी। वहीं जयपुर में कार्तिकचंद रोड स्थित जंगलेश्वर महादेव मंदिर के पास श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर चल रही यज्ञ व भागवत कथा का आयोजन किया गया। वहीं मंगलवार को धर्मा ध्वज वाहक पंकज ओझा ने सनातन धर्म और संस्कृति पर उद्बोधन दिया। संतोष सागर महाराज ने बताया कि सनातन धर्म का महत्व बताते हुए पंकज ओझा ने कहा कि सनातन वह है जिसका न कोई आदि है न ही अंत है, सनातन शाश्वत है, अनादि है, अनंत है, सनातन का प्रसार स्वतंत्र है, इसका कोई और छोर नहीं। यह समस्त ओझा ने बताया कि भारतवर्ष ही सनातन का प्रमुख एवं प्राचीनतम केंद्र है। सनातन धर्म के ग्रंथ भारत में लिखे गए हैं जिनका समस्त विश्व शोध कर रहा है। सनातन ग्रंथों के ज्ञान से ही विज्ञान ने तरक्की की है। हमारे मठ मंदिर मूर्तियां, हमारे शिल्प प्रकल्प, हमारी संस्कृति के सूत्र, सभी उन्होंने कहा कि वेद व्यास रचित भागवत के तीसरे स्कंद में 11वें अध्याय से सृष्टि रचना खंड में परमाणु की एकदम सत्य और सटीक परिभाषा का वर्णन मिलता है। जन जागरण, पुनर्जागरण, सनातन के उत्थान का
उम्मीद है कि इससे जरूर नया जागरण होगा और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और बहुत ही सुंदर ये सारा सहयोग स्थापित होगा। ऐसे आयोजनों की और क्योंकि हम तो समाज में कई तरह के भ्रांतियाँ फैलते हैं, जन जागरण और आपकी कई प्रोग्राम करते रहते हैं लगातार। संतोष सागर जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हम लोग इस बात पर लगातार कार्य कर रहे हैं कि विधर्मियों के द्वारा जो गलत बातें प्रचारित की जाती हैं वो सब गलत है, उन्हें गलत साबित किया जाए और ये बताया जाए कि हम सर्वश्रेष्ठ थे, सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वश्रेष्ठ रहेंगे और ये गलत बातें अब सहन नहीं की जाएंगी। ये समय जा चुका है, सुधर जाओ। सूरतगढ़ से खबर, जहां तहसील कार्यालय में आए दिन जनता अपने पर्सनल वाहनों को तहसील मुख्यालय के अंदर पार्किंग कर देते हैं। तहसील कार्यालय के अंदर ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय है, जिसकी वजह से प्रशासनिक अधिकारियों को आने जाने लगा रहता है, जिसे लोगों द्वारा अपने पर्सनल वाहन अंदर खड़े करने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसको लेकर ट्रैफिक इंचार्ज मूल सिंह शेखावत ने तहसील कार्यालय में खड़े वकीलों की बाहर पार्किंग करवाई। राजस्व अधिवक्ता अध्यक्ष आनंद स्वामी ने मूल सिंह शेखावत को अवगत करवाया कि वाहनों की पार्किंग बाहर ही करवाएं। सूरतगढ़ में राजस्व अधिवक्ता अध्यक्ष आनंद स्वामी के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी संदीप कुमार काकड़ को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन के माध्यम से अवगत करवाया कि सूरतगढ़ के कृषि भूमियों की गिरदावरी पिछले 2 वर्ष से ऑनलाइन नहीं निकल रही। कृषि भूमि की गिरदावरी का ठेका राज्य सरकार ने एक कंपनी को दिया था। कंपनी द्वारा कृषि भूमियों की गिरदावरी ऑनलाइन अपलोड कर दी गई थी। किसी कारणवश कंपनी ने सरकार से अपना अनुबंध बीच में छोड़ दिया। कंपनी ने अपना सर्वर बंद कर दिया, जिसकी वजह से गिरदावरी नहीं निकल रही। किसानों को जमीन खरीद बेचान व परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटवारियों को आदेश किया जाए कि तब तक गिरदावरी ऑनलाइन न हो, पटवारी ही गिरदावरी उपलब्ध करवाए। भीलवाड़ा में जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राइजिंग राजस्थान 2024 के संबंध में सभी जिला अधिकारियों व शिक्षा माइंस चिकित्सा होटल पर्यटन व गैस पेट्रोल पंप आदि एसोसिएशन संगठन के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला उद्योग व वाणिज्य केंद्र महाप्रबंधक के मीणा ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा 9 से 11 दिसंबर तक राजस्थान राइजिंग कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्यों में देश विदेश के निवेशकों में MOU किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों में राइजिंग राजस्थान जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट आयोजित भी किया जाएगा। सूरतगढ़ में हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की हैट्रिक लगने पर सूरतगढ़ के महाराणा प्रताप पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी मनाई, पटाखे चलाकर व मिठाइयां बांटकर। इस अवसर पर भाजपा नेता संदीप कासनिया, पूर्व विधायक अशोक नागपाल, भाजपा मंडल व पार्षद मौजूद रहे। वहीं सूरतगढ़ में भाजपा युवा नेता मनोज जांगू के 32वें जन्मदिन पर युवाओं ने जीको एरिया में केक काटकर बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया। राजनीति में युवाओं की एक पहचान है, जांगो ने राजनीति में कम उम्र में अपनी पहचान बनाई। जांगो की टीम में सैकड़ों युवा मौजूद है। जांगो के चुनाव आंदोलन में हमेशा ही सक्रिय भूमिका निभाई है। वहीं भाजपा नेता संदीप कासनिया, पार्षद महेंद्र गोदारा, युवा नेता विनोद चौधरी, सोहन थोरी, पार्षद सुरेश बिश्नोई सहित सैकड़ों युवा मौजूद रहे। झालावाड़ में जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन स्टेयर्स स्कूल में किया गया, जिसमें कोटा के कई स्कूल और एकेडमी के बच्चों ने भाग लिया। कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में PV व सब जूनियर अंडर 12 वर्ग के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें कोटा डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो अकेडमी ने 25 गोल्ड, 10 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर फर्स्ट चैंपियनशिप अपने नाम की है। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए DPK न्यूज पर।
राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान।